हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ रात को 10 बजे। सो इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वाइब। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ इतने रात को, सो आई एम लाइक गोइंग आउट फॉर डिनर। और डिनर मतलब बेसिकली मैं हैंग आउट प्लेस में जा रही हूँ। टुडे इज संडे और दिन भर से कहीं बाहर नहीं निकली ड्यू टू द स्ट्रीम हीट। सो अभी मैं बाहर जा रही हूँ। तो फाइनली अभी हस्बैंड अपना खाना पैकिंग ले रहा है होटल से और आई हैव माई डिनर समवेयर एल्स, समवेयर इन अ वेरी हैपनिंग प्लेस। और जो जगह मैं जाऊँगी, जब जाऊँगी तब आप लोगों को पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो मैं अभी आई हूँ खारगुली और समर में रात को मुझे खारगुली आना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो यहाँ पे ढेर सारा हैंग आउट प्लेसेस है, फूड प्लेसेस जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, एंड द क्राउड इज़ आल्सो वेरी यू नो लाइवली। और यहाँ मैंने ऑर्डर दिया था चिकन मुगलाई रोल और अभी मैं इसको इन्जॉय करूँगी। बाय द वे अभी रात के 11:10 है एंड जस्ट लुक एट द क्राउड, लाइक फुल ऑफ यंगस्टर्स एवरीवेयर। और लग ही नहीं रहा है कितना रात हो गया है, दैट्स व्हाई आई एंजॉय कमिंग टू दिस प्लेस। और मलाई चिकन तो आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ इसका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, शायद परवल का बड़ा भाई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सो एनीवेज हम लोग तो इसको धुंधुली नीलाजी ऐसे कुछ बोलते हैं एसएमएस में, बट हिंदी में वाकई में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। आप लोगों को पता है तो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। बट एनीवेज आज मैं ये और जैकफ्रूट सीड के साथ में इसका सब्जी बनाने वाली हूँ। और आज वेदर भी कितना अच्छा हो गया, मतलब गर्मी तो है बट धूप नहीं है थैंक गॉड, और क्लाउडी सा थोड़ा बन रखा है। आई विश कि बारिश दे दे। और ये काफ़ी ठंडा पड़ गया है अभी, और किचन में काम करके अभी थोड़ा अच्छा लगेगा। पूरे 2 साल बाद आज मैंने अपने बालों को ग्लोबल हेयर कलर किया है। इतने दिन तो हाईलाइट्स कर रही थी और आज दिन में ही देखिए ना, इतना अंधेरा हो गया कि लाइट जलाना पड़ रहा है। हेलो गाइस, सो फाइनली नाउ इट्स द चिटचैट टाइम और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। तो फाइनली थोड़ा अभी रात को जाके थोड़ा सा टाइम मैं निकाल पाई हूँ। हाँ, आई एम सो क्लोज टू यू नो लाइक हैविंग 500 सब्सक्राइबर्स। आई नो 500 सब्सक्राइबर्स, बट आई एम हैप्पी क्योंकि 500 दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। और मुझे पता है मैं इससे कहीं ज़्यादा आगे जाऊँगी अगर आप लोग इसी तरह से प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह। और यस, आई एम वेरी हैप्पी और आई एम सो क्लोज टू बीइंग 500 सब्सक्राइबर्स, और होपफुली जल्दी हो जाए। और मुझे आप लोग का सपोर्ट भी चाहिए इसमें, और जल्दी से मेरा कंप्लीट कर दीजिए गाइज। और यस, और ऐसा लगता है ना कि 2 साल लगभग मैंने मेहनत किया है। हाँ, कभी बीच बीच में मैंने सोचा भी कि यूट्यूब छोड़ दूँ, कभी ऐसा भी लाइफ में टाइम आया कि कैमरा उठा के व्लॉग करने के लिए यू नो एकदम ना तो एनर्जी होता था, ना मन होता था, ना मोटिवेशन होता था। और फिर भी मतलब ये एक यूट्यूब में व्लॉगिंग करना या
वीडियो शेयर करना मेरा एक पैशन बन चुका है। क्यों मैं बोलती हूँ, मैं लाइफ में कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ, बस यही एक चीज़ है जिसमें मैं बार 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 वापस आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं थोड़ा दिन के लिए यूट्यूब में व्लॉग वगैरह बनाना बंद कर देती हूँ, बहुत मुझे वो यू नो गिल्टी फील होता है, बहुत मैं मिस करती हूँ वो चीज़ को। एंड देन अगेन आई कम बैक, सो फाइनली आई हैव रियलाइज दैट यूट्यूब इज वन ऑफ माई पैशन, लाइक व्लॉगिंग। और इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलूँगी मैं अपने आप को, मुझे इन्फ्लुएंसर बनने का इतना शौक भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी ए नॉर्मल व्लॉगर, और थोड़ा बहुत यू नो जितना भी ओरिजिनल कंटेंट मैं दे पाऊँ आप लोगों में देने की हमेशा कोशिश करूँगी। बट द ओनली ड्रॉबैक इज मैं यू नो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो जाती हूँ, बट अगेन यू नो कमिंग बैक इज द मेन थिंग। और होपफुली आगे जाके मैं यू नो जो भी बीच बीच में जो गायब होने का मेरा बीमारी है वो ना हो, वो कम हो जाए। एंड यू गाइज शावर सम लव टू मी और मुझे कमेंट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट जब भी मिलता रहता है तो। सो यस, और आज वक्त बाय द वे मैंने यू नो सुबह आइसक्रीम खा लिया था, सुबह नहीं लंच के बाद, और तब से खांसी मेरा यू नो फिर से शुरू हो गया है। खांसी रही हूँ और ऊपर से हस्बैंड डांट रहे हैं कि थोड़ा पहले ही वायरल फीवर होके गया है और तुम चोरी चोरी जाके दुकान में आइसक्रीम खाते हो। उसको पता नहीं था, बट डस्टबिन में मैंने ना वो पैकेट फेंक दिया था और पता नहीं इसको कैसे दिख गया पैकेट। और अभी बाय द वे वो उस रूम में काम कर रहा है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, पता नहीं कहाँ से वो पैकेट देख लिया, बोलता है तुमने आइसक्रीम खाया है अभी इतना दिन पहले, तुमको इतना वायरल होके गया, 103 बुखार होके गया, तुम्हारा गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। और आई वॉज फीलिंग लाइक ए स्मॉल किड जिसको अपना यू नो पापा दाँतते हैं या बड़ा भाई दाँतते हैं। और मैं कुछ नहीं बोल रही थी, गलती मेरा ही है, नहीं करना चाहिए। और अभी मैं बात जैसे ही करती हूँ ना तो बीच बीच में थोड़ा ड्राई कफ होता रहता है। एनीवेज दिस आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। सो गाइज मेन थिंग इज जल्दी से मेरा 500 सब्सक्राइबर्स पूरा कर दीजिए और इसका एक सेलिब्रेशन हो सके तो रखूँगी। आप मतलब बहुत सारे लोग शायद हंसेंगे कि लोग तो यू नो 5 मिलियन 5 लैक्स में और 5K में पार्टी करते हैं और ये लड़की खाली 500 सब्सक्राइबर्स में ये कर रही है, पार्टी कर रही है, सेलिब्रेशन कर रही है। मैंने पहले भी आप लोग को बोला था कि डजेंट मैटर 500 हो 5 हो या 5000 हो 5 मिलियन हो, मेरे लिए एक एक व्यू उतना ही इम्पोर्टेंट है और एक एक सब्सक्राइबर उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा कोई यूट्यूब का बैकग्राउंड ही नहीं है, ना मेरे आस पड़ोस में कोई ऐसा यूट्यूबर है, ना मेरे फ्रेंड लिस्ट में या फैमिली लिस्ट में कोई यूट्यूबर है जिसने कभी यू नो जिसके पास कभी जाके मैं ये बोल पाती कि मुझे हेल्प कर दो मेरा भी चैनल ग्रो करने के लिए, तुम भी मेरा चैनल में आओ वगैरह वगैरह, जैसे आजकल यू नो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही मैं सेलिब्रिटी हूँ, ना ही मुझे अच्छा गाना आता है, ना ही मुझे डांस आता है। सो आई एम एन एवरेज नॉर्मल गर्ल, और मेरे लिए 500 सब्सक्राइबर्स भी होना बहुत बड़ा बात है यार। और उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइबर्स ऐसे ही बढ़ते रहे और मैं आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी।